पहले पटना में मस्जिद में छिपे विदेशी मौलाना पकड़े गए, फिर रांची के तमाड़ इलाके की मस्जिद में छुपकर रह रहे चीनी और दूसरे देश के मौलानाओं को आइसोलेशन में भेजा गया। तमिलनाडु में भी ऐसी घटना सामने आई जब कोरोना संक्रमित मौलाना वहां पाए गए। अब फिर रांची में एक दूसरी मस्जिद में 17 विदेशी सहित 22 मौलानाओं को पकड़ा गया जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाकर वहां पर रह रहे थे। कोरोना के संकट को देखते हुए इन सबको आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात मतलब कि धर्म का प्रचार करने के नाम पर ये सभी मिलकर कोरोना फैलाते रहे, लेकिन जब बात सामने आई तो काफी देर हो चुकी थी। माना जा रहा है कि अब सरकार पूरे देश के मस्जिदों की तलाशी लेगी और जहां भी कोरोना संक्रमित मौलाना पाए जाएंगे उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। तबलीगी जमात की वजह से कई राज्यों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रांची के हिंद पीढ़ी स्थित एक मस्जिद में 17 विदेशी समेत 22 मौलाना मिले, इनमें से कुछ केरल से लौटे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर आइसोलेशन के लिए खेलगांव भेज दिया। इसमें से 8 मलेशिया से, 2 वेस्ट इंडीज और 5 इंग्लैंड और 2 पोलैंड से हैं। बाकी दिल्ली, हैदराबाद और कुर्ला के हैं। इनमें 2 झारखंड के भी हैं। सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आइसोलेशन सेंटर में रिम्स की मेडिकल टीम इनकी जांच कर रही है। पुलिस इनके यहां आने की वजह और इनकी अब तक की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है और ये सभी खुद को धर्म प्रचारक बता रहे हैं। बताया जाता है कि सभी लोग जनवरी से यहाँ हैं। डीएसपी का कहना है कि ये सभी कथित धर्म प्रचारक हिंदी पीढ़ी में ग्वाल टोली के समीप स्थित एक मस्जिद में थे। इसके पहले 18 मार्च को पटना में और 13-19 को रांची के तमाड़ में 11 मौलानाओं को हिरासत में लिया गया था और ये सभी चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से आए थे। मुसाबनी पुलिस केंद्र में उन सभी से पूछताछ चल रही है और उनकी पूछताछ के बाद सीबीआई और एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देश के कई ठिकानों में जांच एजेंसी छापेमारी कर छानबीन कर रही हैं और इस बीच तमाड़ से गिरफ्तार 11 विदेशी मुसलमानों के झारखंड आने के राज खुलने लगे हैं। एनआईए और सीबीआई ने इनसे घंटों पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। सभी के पास पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिए गए। रांची के ग्रामीण एसपी ऋषभ कुमार ने बताया कि सभी 11 मौलवियों को संदिग्ध मानते हुए जांच एजेंसी इनकी कुंडली खंगाल रही हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी मौलवी 1.5 महीने से भारत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।